पहला तारा ढूंढो रे सुबह की जो लगाए सरकार जागी जो दे सलूंबर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कुमार मीणा ने अभिजीत मुहूर्त में नामांकन में भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोथ, दरियावद विधायक थावरचंद दामोर, आसपुर विधायक उमेश मीणा, बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल, राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोथ सहित पदाधिकारी की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारी पर्वत सिंह के समक्ष नामांकन दाखिल किया। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कुमार मीणा के नामांकन में 2 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सांसद राजकुमार रोथ सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ थे। रैली में ढोल और मांदल की थाप पर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे और प्रत्याशी जितेश कटारा को कंधे पर उठा दिया था। वहीं उपखंड कार्यालय से 100 मीटर दूरी पर ही कार्यकर्ताओं को रोका गया। केवल प्रत्याशी सहित 5 लोगों को नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय में प्रवेश दिया गया। नामांकन दाखिल के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोथ ने कहा कि सलूंबर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहानुभूति कार्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर सलूंबर में किसी से नहीं है। रोथ ने कहा कि हमारी पार्टी बाप की ग्रोथ रेट कम समय में ज़्यादा हुई है। यहाँ सरकार की योजनाएं धरातल पर लागू हो उसके लिए जितेश कटारा को जनता यहाँ से विधानसभा में चुनकर भेजें, जिससे मैं सलूंबर का विकास कर सकूं और सलूंबर विधानसभा में शिक्षा व रोजगार जैसे कार्यों को धरातल पर लाने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और भाजपा और कांग्रेस के आगे लाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने जिले के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, परंतु अभी तक सलूंबर को सही औहदे में सलूंबर जिले का दर्जा नहीं मिल पाया है। राजस्थान सरकार ने 10 महीने में केवल आम जनता को गुमराह कर जिले को खत्म करने की ही बात कही है, नहीं कि विस्तार करने की। कटारा ने कहा कि वे दिन रात जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सलूंबर जिला खत्म नहीं किया जाए इसके लिए भी वे साथ रहेंगे। ये जनता को मेरी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और आज सलूंबर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विधायक उम्मीदवार के तौर पे मैंने सर्व समाज की जनता के आशीर्वाद से साथ सहयोग और पूर्ण विश्वास से मैंने नामांकन दाखिल किया है। मुझे आशा और विश्वास है सलूंबर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो एक सच्चा सिपाही रक्षक और उनके साथ रात दिन खड़ा रहने वाला सिपाही चुनेगी, ऐसी आशा और विश्वास है और सर्व समाज की जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन और वोट देकर के विजय बनाकर सलूंबर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी आशा करता हूं। मान लो सलूंबर की जनता ने आपके सिर पर ताज पहना दिया, आप सलूंबर वासियों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हो? सबसे पहले मैं विधायक पूरी सलूंबर की जनता के लिए होऊंगा और मेरे दर पर और मेरे आसपास और मेरे पास जो भी जनता जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा और कभी भी सलूंबर विधानसभा की जनता कहीं सुख दुख में अगर उनको कभी साथ चाहिए तो आधी रात उनके लिए मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। सलूंबर के लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? उपचुनाव मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? हमारी पार्टी के हालांकि मैं प्रत्याशी की तरफ से बता दूं, हालांकि वो भी पूरा बता देंगे। हमारी पार्टी के स्टेट लेवल के और प्रदेश लेवल के अलग से मुद्दे हैं और क्षेत्र लेवल के जो मुद्दे हैं जितेंद्र भाई सलूंबर की जो बात है वो बता देंगे। सलूंबर के विशेष करके आज ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसके अंदर सर्व समाज रह रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा युवा पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे युवा आज पलायन करके बाहर के राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के अंदर जावर माइंस जैसी बहुत बड़ी माइंस है और वो माइंस में लोग बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यह रहेगी स्थानीय भाइयों को रोजगार दिया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था जो आज जर्जर हो चुकी है, आज स्कूलों की हालत, आज स्कूलों के अंदर टीचर पढ़ाने के लिए आज शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके लिए हम काम करेंगे और खासतौर ग्रामीण इलाके के अंदर बाजारों से लेकर ग्रामीण इलाके तक जो आज लाइट पानी सड़क की जो असुविधा हो रही है उन असुविधाओं को लेकर के हम पुरजोर तरीके से ग्रामीण इलाके के अंदर काम करेंगे
ये बात कहना चाहूँगा। 10 महीने से जनजाति जिला जो बनाए, 10 महीने से सरकार ये कह रही है खत्म करेंगे, रखना है, इस पर आपके क्या विचार है? सबसे पहले सलुम्बर जो जिला बना है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कई सारी राजनीतिक पार्टी ने उसके नाम से वोट भी ले लिए। मैं ये आज आश्वस्त करना चाहता हूँ समाज, सर्व समाज की जनता से, कि सलुम्बर जिला आज जयपुर जिला है वैसा क्यों नहीं है? आज एक साल हो गया वोट लिए, न कांग्रेस न बीजेपी ने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया। आज हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, आज यहाँ के बड़े बड़े जो जिला मुख्यालय कार्यालय, आज सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेके भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई जितेश जी कटारा का आज सलुम्बर की आम जनता के द्वारा दिलो जान जो जुनून के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन भरा गया है। और सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सलुम्बर में जो विधायक जी थे मन्नारे अमृत जी, उनको भी आज याद करना चाहूँगा मैं। एक ऐसा अवसर आया, प्रकृति का कहर था, कुदरती इनकी मृत्यु हुई, और आज सलुम्बर की जनता को दोबारा उपचुनाव का अवसर मिला। लेकिन मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि सलुम्बर की जो जनता थी, जिस तरह से वो भाजपा के विधायक थे और भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उन लोगों की भावना के विरोध में जाके जिस तरह ने भाजपा ने डिसीजन लिया है, और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई थी, कल ही रात को उनका कैंडिडेट की घोषणा हुई है, वो असमंजस की स्थिति में थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों। मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि अमृत जी पूरी विधानसभा के विधायक थे, उनके साथ जो प्राकृतिक घटना हुई तो दुख पूरी विधानसभा के लोगों को था, न कि सिर्फ उनके घर वालों को था। तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता क्या चाहते थे, उस अनुरूप काम नहीं किया है। और जिस तरह से हमारी भारत आदिवासी पार्टी जिस तेजी से ग्रोथ कर रही है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो देश लेवल पे एक वर्तमान की एक ही पार्टी ऐसी है जो सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ रेट वर्तमान में है। और हमें आशा है सलुम्बर विधानसभा की आम जनता जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी। इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधित्व चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो यहाँ की हर समस्या को विधानसभा में रखे, सरकार के सामने रखे और हर सरकार की योजना को धरातल पे लागू करे। ऐसा सच्चा सिपाही, ऐसा मजबूत, ऐसा लीडर चाहिए सलुम्बर की जनता को, और वो लीडर के रूप में जितेंद्र भाई हैं, और सलुम्बर की जनता इन पे विश्वास जताएगी। क्योंकि जिस तरह से भाजपा चाहती है कि संपत्ति के नाम से वोट ले, इनकी पॉलिसी है कि हमें संपत्ति मिलेगी, लेकिन दुख सिर्फ परिवार को ही नहीं हुआ था, पूरी विधानसभा की जनता को हुआ था। विधानसभा की जनता चाहती है कि मजबूत लीडर आए, सिर्फ संपत्ति के नाम से वोट लेके जीत जाए वो नहीं चाहते। एक परिवार को राजी करके पूरी विधानसभा की जनता को दुखी नहीं करना चाहेंगे 4 साल तक। इसलिए सलुम्बर की जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ रहेगी और जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी। आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर निश्चित उपहार, पहले आए पहले पाए। उदयपुर कुरावड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं, कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट कुरावर मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू, पहले आए पहले पाए। संपर्क करें राधेश्री डेवलपर्स, मोबाइल नंबर 9414732125, 8690282316।